मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया है। अरे तो क्या करेगा? अरे मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? अरे चुपचाप सो जा साले, तू कोई रजनीकांत नहीं है जो मच्छर से सॉरी बुलवा सकेगा। और लाइट जलता देखेंगे तो पिताजी तुरंत आ जाएंगे। तभी टीकू की आवाज गरजती है, अरे नालायको, लाइट जला रखी है, बिजली बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? देखा, बोला ना, जल्दी से बंद कर लाइट और सो जा। लुई और मुई सो जाते हैं। अगले दिन टीकू अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाजार में घूम रहा था, तभी वहाँ मीनू मौसी आ जाती है। हाय हाय, कितना प्यार है, शादी के इतने साल हो गए हैं, फिर भी तुम दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हो, तुम्हारा प्यार देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे मौसी, ऐसा कुछ नहीं है, हाथ छोड़ दूँ ना तो हाथ छोड़ते ही किसी न किसी दुकान में घुस जाती है, फिर ढेर सारा माल खरीद लेती है और दुकानदार मेरे पीछे पड़ जाता है। अरे नासपीठे, तू कंजूस का कंजूस रह जाएगा, देखा मौसी, इसलिए ये मुझे बांध कर रखते हैं। तभी वहाँ पर एक काला बत्तख घूमते घूमते पहुँचा। अरे ये कौन काला आ गया है, देखने से तो ये बत्तख ही लग रहा है। हाँ यार, मैं बत्तख ही हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ बसने आया हूँ। अरे चल दूर हट, कल मुहा काला बत्तख, मुझे काले बत्तख बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं ठहरा अमीर बत्तख, मेरे आसपास काला बत्तख रहेगा बिल्कुल नहीं। चलो गौरी। टीकू मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। काला बत्तख परेशान होकर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे अपने जंगल में भी कोई प्यार नहीं करता था, और यहाँ पर भी लगता है कोई मुझे शामिल नहीं करेगा। कोई नहीं, मैं दो चार और पंछियों से बात करता हूँ। गुन्नू कबूतर के पास पहुँचा काला बत्तख। अरे कबूतर भाई, मैं काला बत्तख हूँ, मैं तुम्हारे जंगल में रहने आया हूँ। अरे तो हम क्या करें, ये तो बत्तख जितने हैं सब परेशान ही करते हैं, एक टीकू बत्तख है, अब तू काला बत्तख आ गया है, तुम लोग तो ऐसे हो सिर्फ परेशान करने वाले जानवर और पंछी हो, जाओ यहाँ से। गुन्नू ने भी भगा दिया। निराश होकर काला बत्तख और पंछियों के पास गया, मीनू मौसी के पास पहुँचा। मैंने सुना है आप इस जंगल की मौसी हो, मुझसे दोस्ती करोगे क्या? अरे कलमुहे, एक कम था जो तू भी आ गया है, और वो भी कालिया, तुझे तो देख के ही बेहोश हो जाए बच्चे, चल भाग यहाँ से। काला बत्तख अब अलग थलग अकेले रहता था, दिन भर जंगल में घूमता फिरता था, खाने की चीजें मिल जाती थी तो खाता था और चुपचाप पड़ा रहता था। काला बत्तख की किसी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। तभी जंगल में एक बड़ा सा सियार आ जाता है। अरे मैं तो जंगल का राजा बनूंगा, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगा, कहता हुआ वो जंगल में आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसे दिखता है एक दूसरा सियार जो काफी बूढ़ा हो चुका है, और उसके गले में एक लॉकेट है। वो एक पेड़ के नीचे अब मर रहा था। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐसा लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया, लेकिन मैंने इस जंगल की भलाई के लिए ही काम किया है, मेरे इस जादुई लॉकेट पे उसी का हक होना चाहिए जो अच्छा जानवर हो, अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया तब तो ये बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सियार ये बातें सुन लेता है। अरे लगता है ये लॉकेट मेरे काम की चीज है। वो बूढ़े सियार के पास पहुंचता है। अरे दादा, आप तो बहुत बीमार लग रहे हो, चलो चलो आप मेरे घर, मैं आपका इलाज करूंगा, मैं आपकी सेवा सुरसा करूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे जैसे ही नेक दिल पशु का इंतजार था,
तुम बहुत अच्छे हो, इस लॉकेट के असली हकदार हो तुम। इसे ले लो, मेरा समय आ गया है, मैं मर रहा हूँ। अब तुम जंगल के जानवरों की रक्षा करना, इससे ये लो। कहकर वो बूढ़ा सियार मर जाता है और लॉकेट बुरे सियार को मिल जाता है। अब तो मैं हूँ जंगल का राजा। जंगल का राजा अब शेर नहीं है। वो आगे बढ़ता है तो देखता है दो कुत्ते आपस में एक मछली के लिए लड़ रहे हैं। अरे ये मेरी है, अरे ये मेरी है, सियार खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो अब मिल गया ये लॉकेट, अब मैं जंगल पे राज करूँगा। अरे कुत्तो, ये मेरा मछली है, चल हट यहाँ से, मैं खाऊंगा इसे। अरे सियार, तेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है। हाँ हाँ, इसे मजा चखाना होगा। दोनों कुत्ते सियार पर झपटने ही वाले थे कि उसने उंगली सामने की और कीले निकलकर जाकर चुभ गई दोनों कुत्तों के ऊपर। दोनों डर के मारे हट गए और सियार मछली लेकर आगे बढ़ गया। अब सियार का उत्पात बराबर बढ़ गया था और सियार अब सीधे जंगल के राजा के सभा में पहुंच गया। वहां सारे पंछी और जंगल का राजा शेर था। अरे जंगल के राजा, अब मैं हूँ यहाँ का असली शेर और यहाँ का असली राजा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, ये लो अभी बताता हूँ। और सियार अपनी उंगली से कीले निकालता जाता है। पशु पक्षी घायल होने लगते हैं। तभी वहाँ काला बत्तख आ जाता है और काला बत्तख अपने पंखों से रोकने की कोशिश करता है। काला बत्तख घायल हो जाता है लेकिन आखिरकार फुर्ती से वो झपट पड़ता है सियार के गले में पड़े लॉकेट पर और लॉकेट उछलकर जाकर नदी में गिर जाती है। अब सियार के हाथों से वो जादुई कीले नहीं निकल रही थी। सारे पशु पक्षी सियार के ऊपर टूट पड़ते हैं और सियार मारा जाता है। सारे पशु पक्षी फिर काला बत्तख से माफी मांगने लगते हैं। अरे कलमुहे, माफ कर दे मुझे, मीनू मौसी कहती है। तो वहीं टुनटुनी कहती है, अरे भैया, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी, हमें माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो पूरी तरीके से घायल हो चुका हूँ, मेरी तो अब लगता है जान चली जाएगी। अरे हम तुम्हारी ऐसी जान नहीं जाने देंगे, हम तुम्हारी दिन रात सेवा करेंगे, तुम्हें फिर से जिंदा करेंगे। हाँ हाँ, मैं भी सारे खर्चे उठाऊंगा, टीकू भी बोल पड़ा। आखिरकार सारे पशु पंछियों के सेवा के बाद काला बत्तख ठीक हो गया और काला बत्तख अब सारे पशु पंछियों के साथ मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगा।